एक्स, क्वेश्चन नंबर 9, 4x प्लस 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन निकालना है, यानी i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, क्योंकि x के सापेक्ष इसलिए dx, यदि y रहता तो वहाँ dy होता। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब चूंकि इसको बराबर हम मान लेते हैं t, यानी माना कि इतना बराबर क्या मान लेंगे t, और फिर इसको मानने के बाद हम दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। जैसे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या देखते हैं कि d बटे x d बटे dx तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस तरफ क्या है t है, तो dt बटे dx। अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पावर से गुना, पावर में एक कम, तो 2 में एक कम गया ये 1, और एक्स का पावर 1 होता है, प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 और 1 का 0 कांस्टेंट है, तो डी टी बटे डी एक्स। अब क्या हुआ कि 2x प्लस 1, 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ई बटे डी एक्स जो है क्या है, भागा के रूप में, तो ई बटे आ जाएगा गुना के रूप में, यानी डी टी बच जाएगा। अब हमें चूंकि डी टी इतना करने के बाद, चूंकि हमें दिया हुआ क्या है, ज्ञात करना है कि आई आई बराबर इंटीग्रेशन ज्ञात करना है किसका, 4x+2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का डी एक्स, एक्स के सापेक्ष। अब हम क्या करते हैं कि 4x+2 ये तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन 2x+1, यदि हम 2 कॉमन ले ले तो 2 कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिलता है, 2x+1। अब देखिए यहाँ 2x+1 था, यहाँ पर आया। अब रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स इंट्री। अब क्या देखते हैं कि जो 2 है तो 2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर, पूरा में गुना है तो बाहर, और 2x+1 डी एक्स, 2x+1 डी एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं, तो डी टी। अब रूट अंडर के रूट अंडर, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर टी मान चुके हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे टी। अब टी के रूट अंडर टी, इसका मतलब कि टी के पावर हाफ है, तो 2 और टी के पावर 1/2 डी टी। अब इसका हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जो हाफ होता है 2 का 2 हो जाएगा, जो हाफ होता है उस पे पावर में एक जुटेगा और उतना से ही भाग हो जाएगा, और प्लस सी। अब क्या हो जाएगा, इसका भीम के जोड़ निकालेंगे, तो निकालेंगे इसका भी भीम के जोड़ निकालेंगे तो 2 के 2 होगा, और इसका भीम के जोड़ निकालेंगे तो 2 और 1 3, 3/3 हो जाएगा 2, यानी 3/2, इसका 3/2 प्लस सी। अब उसके बाद क्या करना है, 2 है 2 और डी टी बटे 2/3। अब यहाँ से नीचे से ऊपर जाएगा तो 3/2 है, तो हो जाएगा 2/3 प्लस सी, 2 दूना 4 गुना हो जाएगा, तो 4/3 टी के पावर 3/2 प्लस सी। अब 3/2 का 3/2 टी के जगह पर हम क्या माने थे, टी के जगह पे मान चुके थे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और टी बराबर टी, तो इतना हम तीनों लिखेंगे, क्या लिखेंगे टी के जगह पे, टी के जगह पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्या पावर 3/2 प्लस सी।